गुड मॉर्निंग डीयर स्टूडेंट्स टुडे वी आर जस्ट ग डू द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यू नो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन आर डे टू डे लाइफ इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कॉल एनी पर्सन वी आर कॉलिंग अगेन एंड अगेन एनी पर्सन कॉल्स अस सो वी गॉट अ रिप्लाय वी हैव टू टॉक विद दैम सो इट इज़ मोस्ट पॉपुलर थिंग फॉर टू डू इन डे टू डे लाइफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी अपन बात करते हैं तो अपने को लगता है कि कुछ यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन आप किस कोई आपको कॉल करता है आप अगर दो मिनट भी उससे बात कर लेते हैं इंग्लिश में तो लगता है कि है ना अच्छी इंग्लिश आती है क्वालिटी इंग्लिश आती है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ का पार्ट है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर जस्ट गोना स्टार्ट है ना कोई किसी व्यक्ति ने कॉल किया आपको है ना इफ़ एनीबडी कॉल्ड यू तो आपने कॉल पिक किया जैसे किसी का कॉल आया तो आपने ऐसे उठाया है ना तो उठाते ही आप क्या बोलते हो सिंपली वी एवरी वन नो अपन बोलते हेलो क्या बोलते हैं हेलो है ना बहुत ही कॉमन वर्ड है हेलो हेलो के बाद क्या बोलना है हेलो बोल दिया सामने वाला भी कुछ बोलेगा ना आपने उठाया तो आप हेलो बोल रहे हो सामने वाला भी कुछ बोलेगा अब सामने वाले ने कॉल किया है वो आपको जानता है या नहीं जानता है नॉन है या अननोन है डिपेंड करता है वेरिएशन बात करने पे रटी रटाई चीजें नहीं होनी चाहिए बात उस व्यक्ति ने आपको कॉल किया है आपका नॉन है या अननोन है तो नॉन है तो आपने आजकल तो क्या थ्री कॉलर से ही पता चल जाता है नंबर से पता चल जाता है किसी नंबर से मोस्ट ऑफ पीपल दी कॉल हैव

प्लीज टेल टेल मी देयर प्लीज टेल मी हु इज देयर हु इज देयर हु इज़ ऑन द लाइन माइंड टेलिंग मी हु इज देयर हु इज़ कॉलिंग है ना कौन कॉल कर रहा है कौन लाइन पे है है ना तो किस तरीके से कह सकते हैं माइंड टेलिंग मी हु इज देयर है ना माइंड टेलिंग मी देखो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में लैंग्वेज का यूज जो हुआ वो पोलाइट होगा है ना यहाँ पे अपन ज़्यादातर ुड माइंड इन शब्दों का यूज करना पड़ेगा यू नो लैंग्वेज इज एवरी लैंग्वेज हैज़ पोलाइटनेस है ना तो इंग्लिश में uh, भी अपने को यूज करना है तो अपने को पोलाइटनेस का विशेष ध्यान रखना है वुड यू प्लीज टेल मी या कुड यू प्लीज टेल मी हु इज ऑन द लाइन कुड यू प्लीज टेल मी हु इज ऑन द लाइन या माइंड टेलिंग मी हु इज ऑन द लाइन तो मैंने कहा माई सेल्फ रूपेश हेलो हाय इट्स रूपेश या दिस इज रूपेश है ना माई सेल्फ इज रूपेश किसी भी तरीके से कह सकते हैं है ना माई सेल्फ माई नेम है ना दिस इज इट इज माई सेल्फ माई नेम चारों में से कोई इंट्रो के लिए यूज कर सकते हैं दिस इज रूपेश इट इज रूपेश है ना इट इज रूपेश माई सेल्फ रूपेश माई नेम इज रूपेश एंड मे आई टॉक टू मिस्टर सुरेश क्या मैं मिस्टर सुरेश से बात कर सकता हूँ मे आई टॉक टू मिस्टर सुरेश ओह सुरेश इज नोट दियर आई एम हिज मोम स्पीकिंग है ना सुरेश की माँ ने उठाया सुरेश यहाँ पर नहीं है वो बाहर चला गया कहीं पर फोन यहाँ पर छोड़ के है ना ऐसी कंडीशन बन जाए सुरेश इज नोट ही हर मोम हिज मोम इज स्पीकिंग या हिज मोम इज ऑनलाइन आई एम हिज मोम इज ऑनलाइन सो कुड यू प्लीज लीव अ मैसेज फॉर हिम है ना क्या आप कोई मैसेज हो तो उनके लिए देना चाहेंगे नो no, thanks, आई call कॉल हिम लेटर आई wanna talk टॉक him हिम पर्सनली आई call him कॉल हिम लेटर ऑन मैं दोबारा बाद में बात कर लूंगा Don't वरी नाइस talking टू यू वो कह सकते हैं अब मान लो आपने सुरेश को फ़ोन लगाया सुरेश से मिल गया है ना आप जानते नहीं हो आपने किसी से नंबर लिए और आपने नंबर डायल कर दिए है ना तो अपन ने नंबर डायल कर दिए तो डायल करते बोला क्या बोला हेलो हाय इट्स रूपेश अपना नाम पहले बताएंगे कई लोग आ, नाम नहीं बताते हैं ना कई लोगों की आदत होती है तो ये पोलाइटनेस ही होता है कि जैसे ही आपने कॉल किया ना आपने कॉल किया वाई एवस्टिंग टाइम ऑफ द पीपल हाँ लोगों का टाइम वेस्ट क्यों करना है ना आप कौन हो नहीं जैसे मैंने कॉल किया तो मैंने कॉल लगाते ही बोला हैलो माइने रूपेश या एच रूपेश मे आई टॉक टू मिस्टर सुरेश तो सुरेश ने उठाया यस सर आई एम सुरेश ऑन द लाइन आ एम सुरेश ऑन द लाइन मैं सुरेश ही बोल रहा हूँ लाइन पे है ना आई एम सुरेश ऑन द लाइन या माइंड टेलिंग मी वाई यू कॉल्ड मी या वट इज द रीजन यू जस्ट कॉल्ड मी या यू कैन टॉक मी है ना, यू कैन कंटिन्यू योर टॉक आई एम सुरेश ऑन द लाइन है ना मैं सुरेश भी बोल रहा हूँ लाइन पे, सो so, फिर क्या हुआ सुरेश ने फोन बात चल रही है अब आपने सुरेश को किस पर्पज़ से फ़ोन किया देखो पर्पज यहाँ ही खत्म तो नहीं होता है कुछ बातें कर लेने से स्टार्टिंग करने से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हो जाता है अब आपने किस पर्पज से फ़ोन किया वो भी तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश वट एव पर्पज जस्ट यू कॉल्ड जिस परपज़ से कॉल किया वो भी तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा तो आपने कहा हेलो सुरेश वी हैव मेड अ प्लान टू गो फॉर द आउटिंग है ना हमने एक प्लान बनाया आउटिंग के लिए सो आर ऑल कलीग्स आर गोइंग टू गो ऑन दैट डे आर यू इंटरेस्टेड टू गो ऑन द आउटिंग फॉर द पिकनिक पर्पज यस श्योर आईम फ्री इन आवर डज आल गो विथ यू है ना मैं भी चलूंगा लेट्स इन्जॉय इट्स लॉन्ग सिम्स वी डिड एंसर अव आउटिंग और एडवेंचर सो आई थिंक इट इज बेस्ट चांस फॉर अस टू गो समेयर सो वैन फिर सुरेश ने बोला कब आपने प्लान कब बनाया वैन यू मेड अ प्लान टू गो आई मेड अ प्लान टू गो ऑन नेक्स्ट संडे संडे को प्लान बनाया ओ वेरी गुड साउंड्स गुड अच्छा लगा सुन के साउंड्स गुड सो हाउ कैसे जाएंगे हाउ विल गो दियर सो आई थिंक विल गो बाय लाइक बस है ना बस से पहले ऑन लगा सकते हो इन लगा सकते हो है ना कार के लिए ऑन नहीं लगा सकते हो खाली इन लगाना पड़ेगा है ना बस से पहले इन या बाय आर ऑन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो कार के लिए स्पेशली क्या यूज किया जाता है इन बस सॉरी इन कार है ना वील गो इन अ कार विल गो इन अ कार सो आई थिंक इट वुड बी मोस्ट प्रॉपर वे टू गो देर कोस कन्वेंसेबल वुड बी देयर वेन एवर वी आर वो आई स्टॉप देयर वी कैन स्टॉप वी कैन टेक फूड एनी वे वेर एवर वी वॉन्ट टू स्टॉप ऑन द वे द मेड वे सो इट वुड बी मच बेटर टू टेक कार अलॉन्ग विथ अस ओके कन्वर्सेशन चली रही थी है ना फिर आप और पूछना चाहते हो फेयर वेल है ना वेलफेयर uh, के समाचार सॉरी वेलफेयर के समाचार पूछना चाहते हो तो है ना आप पूछ सकते हो हाउ इज योर मोम इज सी वाल नाउ अर्यर वेन आवर कॉल दैट डे सी वॉज नॉट गुड सी वॉज नॉट वेल यस शी इज वेल नाव शी इज क्वाइट वेल शी इज़ फाइटिंग फिट है ना बहुत अच्छी कंडीशन में शी इज़ फाइटिंग फिट बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है फाइटिंग फिट आई एल टीच यू अगेन वेन एवर गांस फाइटिंग फिट है ना बहुत चुस्त तंदुरुस्त है ना ऐसा बोलना चाहें तो आई एम फाइटिंग फिट है ना तो बोल दिया फिर इंट्रोडक्शन दे दिया है ना माई सेल्फ अब रिप्लाई कर दिया ग्रीटिंग ग्रीटिंग में अपन यूज़ कर सकते हैं क्या हेलो हाय हेलो हाय ये बोल दिया फिर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्न है ना गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड आफ्टरनून कुछ भी यूज़ कर सकते हैं है ना मैट टॉक तो हो गया मैं नो हु ऑन द लाइन मैं जान सकता हूँ क्या कौन बोल रहा है है ना जब भी ऐसे बोलना है ना कि क्या मैं जान सकता हूँ कौन है वहाँ पे मैं नो हु ऑन द लाइन मे नो हु इज कॉलिंग फ्रॉम दियर मे आई नो हुज वॉइस इज दिस मे आई नो हु इज ऑन द लाइन है ना मे आई नो हु इज ऑन द लाइन मे आई नो हू इज़ कॉलिंग मी मे आई नो योर नेम प्लीज मे आई नो योर नेम प्लीज मे आई नो हुइ ऑन द लाइन रीजन पूछ लिया माइंड टेलिंग मी वाई वाई डिड यू कॉल मी माइंड टेलिंग मी ना रीजन में मैंने पहले ही बोला अपने को कुड यू प्लीज टेल मी या माइंड टेलिंग मी है ना कुड और वुड का यूज कर सकते हैं कुड यू प्लीज टेल मी वाई यू कॉल वाईव यू कॉल

रीजन ऑफ द कॉलिंग माइंड टेलिंग मी द रीजन ऑफ द कॉलिंग है न रीजन हो गया अब मान लो आपने किसी को कॉल किया है ना यू कॉल टू एनी वन है ना जैसे मान लो मैंने सुरेश को कॉल किया सुरेश के मोम ने उठाया आई कॉल टू सुरेश एंड हीज मदर पिक द कॉल हिज ब्रदर पिक द कॉल एंड आई जस्ट टोल्ड हैलो हाय इट्स रूपेश मै मै आई टोक टू मिस्टर सुरेश सुरेश इज नॉट ऑनलाइन सुरेश इज नॉट एट प्लेस ही इज गॉन आउट ऑफ स्टेशन सो डू यू हैव एनी मैसेज टू लीव इफ़ यू हैव एनी मैसेज देन यू वु वुड यू लाइक टू लीव आई एल टेल हिम है ना कोई मैसेज हो तो छोड़ दीजिए मैं उनको बता दूंगा आई विल टेल हिम या आई एल टेल हिम नो प्रॉब्लम वेन एवर ही बैक दैट टाइम आई एल कॉल है ना उनको बोल देना मेरे से कॉल करें है ना उन्हें बोलना मेरे से कॉल करें मेरे से बात कर लें आज किम टू एक्शन आज किम टू एक्शन उनको बोल दो आज किम टू कॉल आज किम टू मैक अ कॉल आज किम टू रिंग मी अप मैक अ कॉल रिंग अप मैं टेलीफोन कॉल कॉल अप टेलीफोन मी आज किम टू टेलीफोन मी आज किम टू मैक मी कॉल आज किम टू आज किम टू कह देना है ना उनको बोल देना कि कॉल करें आज किम टू कॉल आस्किम टू कॉल अप ओके आई लास्कम टू कॉल यू अप है ना मैं कह दूंगा आई लीव अ मैसेज फॉर हिम आई लीव अ मेसेज हिम सो आई आस्क किम टू कॉल यू अपल कॉल यू वेन एव ही एट प्लेस ही कॉल यू बैक है ना नाइस टॉकिंग टू यू बात करके अच्छा लगा जब भी अपन बात खत्म होती है रोजाना कह सकते हो नाइस मीटिंग यू की जगह नाइस टॉकिंग टू यू है जहां जहाँ अपन ने वहां पे मुलाकात खत्म हो रही थी वर्ड यूज किया था नाइस टॉकिंग टू यू सो नाइस मीटिंग यू सेम वी कैन यूज नाइस टॉकिंग टू यू नाइस टॉकिंग टू यू है ना क्या बोल सकते हैं नाइस टॉकिंग टू यू रिप्लाई क्या होगा सेम हियर है ना हैव अ गुड डे अ गुड डे अ प्लेजेंट डे है वंडरफुल डे कुछ भी यूज कर सकते हैव अ गुड डे अ वंडरफुल डे हैव अ day, have a सुपर डे कुछ भी यूज कर सकते हो हैव अ गुड डे है ना बहुत ही कॉमन यूज़ किया जाता है बॉल हैव अ गुड डे तो ये अपने बात कर लिए ऐसे ही है ना तो थोड़ा सा अपने को कुछ वो कब और का यूज़ कर सकते हैं है ना जब भी यू आर ब्रेकिंग अप बिट है ना जब ये कब बोलते जब अपने को समझ में ना आए है ना देखो कई बार सामने वाला बोलता है वॉइस डजन खम के लिए हिट इज़ द मोस्ट पॉपुलर थिंग ऑन द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इन इंडिया वेनेवर द को कॉल्ड है ना आजकल बहुत ही एक कॉमन चीज़ चल रही है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में आपने देखा होगा मैंने नोटिस किया है कि जब भी लोग प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है, है ना जैसे कॉल सेंटर्स आजकल बैंक्स में जो लोग होते हैं बात करने के लिए दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड एंड फॉर स्पीकिंग है ना आई एल से फॉर स्पीकिंग क्वालिफाइड तो वो कॉल करते हैं ना लोन के लिए जैसे ही हमें कई बार करते हैं कॉल तो मैं जैसे वो कहते हैं हेलो मैं आई टॉक टू मिस्टर रूपेश आई से यस आई एम ऑन द लाइन या टेल मी हाउ यू कॉल्ड मी या माइंड टेलिंग मी द रीज़न ऑफ द कॉलिंग इतना कहते वो काट देते हैं फिर पता चलता है कि वो इंग्लिश की शुरुआत के दो वर्ड ही बोल पाते बाकी वाले वर्ड्स हिंदी में कनौसेसन करते हैं आज ये क्लास उनके लिए अगर वो प्रॉपर इस क्लास को ही देख लें तो काफ़ी कुछ वो जान लेंगे ठीक है ना तो अपने को टेलीफोनिक देखो जब भी बोलना या तो प्रॉपर मैं ये कहता हूँ हमेशा कहता हूँ कि वेन यू स्पीक एनी लैंग्वेज यू शुड स्पीक प्रॉपरली इफ यू आर कन कम्फ कंफर्टेबल इन हिंदी यू शुड स्पीक हिंदी वेदर यू आर कम्फर्टेबल विथ योर ऑन रीजनल लैंग्वेज यू शुड बी स्पीकििंग दैट लैंग्वेज डोंट बी लाइक दैट शड सन दैट यू डोंट नो एंड यू आर स्पीकिंग है ना कोशिश करते हो वो कोशिश आपकी बेजती करवा देती है तो कोशिश अच्छी बात है लेकिन कोशिश के साथ वो चीज़ आनी भी तो चाहिए न खाली कोशिश से काम नहीं चलना है आपको वो चीज़ आनी भी चाहिए तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो लोग जिसको कम थोड़ा आता है ना तो वो माइंड रिपीटिंग प्लीज टेल मी अगेन आई कौन अंडरस्टैंड है ना मैं समझ नहीं पाया आई कौन अंडरस्टैंड आई कौन गेट यू आई कौन खेच यू आई कूडन कुड नॉट को बोलो कुडन आई कूडन गेट यू आई कौन अंडरस्टैंड माइंड रिपीटिंग प्लीज से इट अ बिट लाउडर

प्लीज स्पीक अ बिट लाउड कुड का भी यूज़ कर सकते कूड स्पीक अप अपट लाउड यस स्पीक अप बिट लाउडर देन दिस यस यो या है ना यस की जगह या नो की जगह नप नै नै नप नै नप नै यस यप दीस आर द सम कॉमन वर्ड्स आई विल टेल यू सो अब अपन समझ में नहीं आ रहा था कुड यू रिपीट इट या दैट प्लीज यस यू है ना कोई चीज़ समझ में नहीं रिपीट कर सकते हो कुड यू स्पीक बिट लाउडर कुड यू स्पीक अ बिट लाउडर यस आई कैन स्पीक अ बिट अलाउड है ना तो यू आर ब्रेकिंग अप अ बिट है ना आप जो बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा था तो बोल सकते हो है ना फिर होल्ड ऑन हॉल ऑन वाइल आई एम ट्रांसफरिंग द कॉल आपने किसी को कॉल किया और वो व्यक्ति यहाँ नहीं था यू कॉल्ड सम वन दैट पर्सन वॉज नोट दियर तो आपने कहा क्या बोला uh, जैसे मैंने मान लो सुरेश को ही कॉल किया आई कॉल्ड टू सुरेश एंड आई टोल्ड हैलो मे आई टॉक टू मिस्टर सुरेश एंड दैट पर्सन वॉज दियर ओ इट्स रमेश एंड दिस नंबर अर्लियर वॉज हैविंग बाय या होल्डिंग बाय सुरीश एंड नाउ दिस थीम इज विथ मी एंड आई हैव हीज अनदर नंबर आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल प्लीज वेट अ वाइल आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल प्लीज वेट अ वाइल है ना मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ क्या बोलेंगे आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल प्लीज वेट अ वाइल आई एम बोलो मेरे साथ I am transferring a call. Please wait a while. Okay, I'll wait a while. माई एम ट्रांसफरिंग इट है ना जैसे ही कॉल गया ओ अब आपको वो व्यक्ति जानता नहीं उसका कॉल किसी और का उसके पास गया है आपने कहा हेलो सुरेश हेलो माई सेल्फ रूपेश सुरेश यस सुरेश how are you? I'm good. i wanted to make a call but it was long i tried this number many times but there was no response oh mr. Ramesh was not knowing about me uh, about you you are my friend not his so he might haven't given me message today just i called him properly and talked him along that that's why just he told me to transfer a call otherwise he wouldn't have transferred your call ओके नो प्रॉब्लम नाउ गेट मी योर नंबर माइंड गेटिंग मी योर नंबर प्लीज़ गेट मी योर नंबर आप अपने नंबर दीजिए गेट मी योर नंबर माइंड गेटिंग मी योर नंबर प्लीज़ गेट मी योर नंबर प्लीज़ गेट मी योर नंबर इस तरह से अपन कह सकते हैं तो और अब है ना अब फोन रखते हैं ना तो अब कहते हैं ओके इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू नाव आई एम गोइंग टू रिंग ऑफ आई एम गोइंग टू रिंग ऑफ़ है ना जिसने कॉल किया है वो कहेगा रिंग ऑफ कर रहा हूँ जिसने फोन उठाया वो कहेगा हैंग अप आई एम गोइंग टू हैंग अप द कॉल आई एम गोइंग टू हैंग अप द कॉल है ना देखो लैंग्वेज अभी नहीं बनी लैंग्वेज बने टाइम हुआ है तो लैंग्वेज के अंदर क्या है कि जैसे अंग्रेज तो लैंग्वेज उन्होंने बनाई है ये अपनी लैंग्वेज अपने बनाइए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरनर्स विश सो हैंग अप पहले फ़ोन हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े है ना नंबर घुमा घुमा के मिलाया जाता था कम से कम एक चेयर की वेट का फोन हुआ करता था तो उसको मतलब ऐसा आपने रिसीवर देखा होगा बड़ा सा लटकाना पड़ता था उसके ऊपर है ना हैंग करना पड़ता था और रिंग जो थी उसको ऑफ़ करना पड़ता था तो लैंग्वेज उस टाइम की बनी हुई है फिर मोबाइल आ गए आजकल तो अपन ए आई से वॉइस जो है वॉइस कमांड दे सकते हैं ना तो उससे भी पहचान लेता है और फ़ोन कट कर लेता है लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था तो उठा के वो उसको बंद करना पड़ता था लैंग्वेज उस टाइम की बनी हुई है तो वही यूज़ होती है और आगे भी यूज़ होती रहेगी और हो सकता है नया कोई ऐसे वर्ड आए और लंबे टाइम यूज़ हो फिर लैंग्वेज में आ, आ सकते हैं बाकी अभी तक जो है वही यूज़ होते हैं ये मैं बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बताऊँगा कि है ना लैंग्वेज पुराने टाइम की बनी हुई है तो उसको एज इट आज वो चीज़ें अस्तित्व में नहीं है फिर भी यूज़ उसी के हिसाब से किया जाता है वर्ड्स जो है मॉडर्न चीज़ें आ गई है एडवांसनेस आ गया है लेकिन चीज़ों का यूज़ उसी हिसाब से किया जाता है नाउ कैन यू लाइक टॉक ऑन द फोन प्रॉपरली यू डोंट हैव प्रॉब्लम एक बार रिपीट करवा देता हूँ फोन करते ही देखो आपको ये चीज़ें समझ में ना आए ना एक बार देखो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लो है ना ऑनलाइन तो ये भी बहुत फ़ायदा है कि उसी चीज़ को स्लो करके स्पीड स्लो करके जो चीज़ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है उसको स्लो करके पढ़ लीजिए है ना? और जो चीज़ दिक्कत आ जाए देन यू कैन मैसेज भी है नू कैन लिव अ कॉमेंट आई रिप्लाई देर है ना आप पर्सनली यू कैन कमेंट मी सो सबसे पहले अपन ने क्या कहा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में अपने को आंसर कैसे देना है है ना इंट्रोडक्शन दिस और दैट से कह सकते हैं इज दिस इज रूपेश मे आई टॉक टू मिस्टर व्यक्ति का नाम बता दिया माई सेल्फ रूपेश माई नेम इज़ रूपेश मे आई टॉक टू दैट पर्सन ठीक है फिर हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग है ना वो विश कर दिया कॉल करते हैं वो विश कर देंगे है ना पहले नाम बोलेंगे पहले अच्छा रहता है कि नाम बताना आप गुड मॉर्निंग वगैरह आधा भाषण दे दो उसके बाद पता चले कि आपने जिसको कॉल लगाया वो व्यक्ति है ही नहीं या आप जिससे बात करना चाहते हो वो व्यक्ति है ही नहीं तो पहले नाम बता देना बहुत ही अच्छी तर... तरीके से सामने वाला समझ जाता है कि हाँ कि उसी व्यक्ति ने कॉल किया तो ज़्यादा डिटेल देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है तो वी शुड टेल हिम नेम है ना पहले तो अपन क्या बता देंगे नाम बता देंगे तो उसके बाद में मै टॉक टू दैट पर्सन है ना मैन हु हुस ऑन द लाइन है रीजन कुड यू प्लीज टेल मी वाई यू कॉल्ड मी आपने कॉल क्यों किया है लीव हिम अ मैसेज आस्क हिम टू एक्शन उन मैसेज छोड़ने के लिए आस्क हिम टू एक्शन आस्क कर टू एक्शन यू आर ब्रेकिंग अप ये कब बोलेंगे जब समझ में नहीं आ रहा है कुड यू रिपीट दैट प्लीज रिपीट करोगे सॉरी आई डिंट कैच यू सॉरी आई डिंट गेट यू है ना पोलाइटनेस बोलने के लिए वुड और कुड का और माइंड का भी यूज कर सकते हैं माइंड भी यूज कर सकते हैं हॉल्ड ऑन हैंग अप रिंग ऑफ है ना रिंग कॉल टेलीफोन में कॉल अप ये तो, uh, तो फोन करने की अंग्रेजी है, हैंग अप किसकी अंग्रेजी है? हैंग अप मतलब काटने की, लटकाने की, लटकाने और uh, यानी यहाँ पे एक वर्ड और आप लिख देना रिंग ऑफ जिसने कॉल किया है ना वो तो बोल देगा रिंग ऑफ है ना जिसने काटा है वो क्या कर देगा क्या बोलेगा हैंग अप है ना होल्ड ऑन मतलब होल्ड करके रखना है ना फिर उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं थैंक यू फॉर होल्डिंग है ना थैंक यू फॉर बीइंग ऑन होल्ड होल्ड पे रहने के लिए धन्यवाद है ना थैंक यू फॉर बीइंग ऑन होल्ड है ना थैंक यू फॉर योर पेशेंस है ना आपने पेशेंस रखा उसके लिए भी थैंक यू थैंक यू फॉर शोइंग अ पेशेंस तो रिंग ये यूज कर सकते हो इस तरह से अपन पूरा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते ओके सो हाउ डू यू फील ऑफ द प्लीज गेट मी द फीडबैक फीडबैक भी दे सकते हो ऑन दैट वाई लिविंग द मैसेज बाय दैट आई कैन बी मोटिवेटेड एंड मेक मोर वीडियोज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ ओके नाइस मीटिंग यू है न मीटिंग भी हो गई और टेलीफोनिक में क्या बोलेंगे नाइस टॉकिंग टू यू ओके